नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको RSMSSB के द्वारा जो एग्ज़ाम निकाला था उसने LDC का, जिसमें वैकेंसी थी 11,200 के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी डेट्स निकल गई हैं, अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको अभी आप नोट कर सकते हैं। ये जो सेकंड ग्रेड की जो एग्ज़ाम्स हुए हैं वो 12 अगस्त, 19 अगस्त, 9 सितंबर और 16 सितंबर को होएगा। अगर आपने देखा होगा जो उन्होंने 11,255 वैकेंसीज निकाली थी, तो राजस्थान में जितने भी लोग हैं जिनकी उम्र 40 साल से कम है वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक ये कंडीशन है कि आपकी आपके पास एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, तो RSCIT का सर्टिफिकेट चलेगा इसके अंदर। ये दोस्तों इसके अंदर सारे सिलेबस हैं, तो आप इसको मार्केट से खरीद सकते हैं चौड़ा रास्ता पे। इसका MRP 697 है। चौड़ा रास्ते में आपको 250-300 रुपये की मिल जाएगी। ये 10,000 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करी है, तो वो इस गाइड को पढ़ सकते हैं और इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। इसका भी देखिए MRP 643 है, ये भी 250-300 के आसपास ही आपको मिल जाएगी। इसके अंदर फिर सिलेबस के अंदर जनरल साइंस है, 10th लेवल तक की अच्छी बुक है ये भी, तो उसको मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके साथ आप ये भी ले लीजिएगा, सिकवाल की इंग्लिश ट्रिकी है, इसके अंदर ट्रिक से आपको इंग्लिश सिखाया जाएगा 10th लेवल तक की। और ये भी हिंदी है आपके, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों ग्रामर आएगी, प्लस टाइपिंग भी है इसके अंदर, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जिन्होंने अभी तक टाइपिंग की क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं करी है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखिए, ये आपका SSO के ऊपर ही आपको जाना पड़ेगा और यहाँ से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अभी 2 एग्जाम और निकाले हैं, जो लोग अप्लाई करना चाहते कर सकते हैं। लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd है और लैब असिस्टेंट, इनके भी आप इसे अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। SSO चाहिए ये आप लिंक देख सकते हैं, और यहाँ पे जो जो भी आपने फिलअप किए वो आपको यहाँ पे दिखाएंगे। व्यू एप्लीकेशन देख सकते हो आप सेकेंड ग्रेड की। ये RS का एग्ज़ाम है जो 5 अगस्त को आने वाला है। और भी है, जैसे फॉरेस्ट रेंजर की निकली थी, ये क्लोज हो गई है वैकेंसी, टैक्स असिस्टेंट की क्लोज हो गई है। और दोस्तों अभी आप ये आपको मेल आईडी होनी चाहिए, जीमेल पे आप आईडी बना के आप SSO में लॉगिन कर सकते हैं, क्योंकि अभी राजस्थान गवर्नमेंट जो भी एग्ज़ाम निकालती है वो SSO से ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो SSO आईडी आपके पास होनी चाहिए, सिंगल साइन ऑन का मतलब, इसका मतलब होता है यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे जाएंगे आप, यहाँ पे आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा वो जो आपने अप्लाई किया होगा, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही है। तो आप कृपया करके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में RS 2018 के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो आप तैयार है ना। जय हिंद, जय भारत।